नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स मैं हूं मनोज जोशी और आज दो मुल्कों में जो टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं उनमें बहुत सिमिलरिटीज़ थी अगर आप देखें तो भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया और वहीं चटगांव के मैदान में बांग्लादेश का शहर है चटगांव वहाँ पर मुकाबला हुआ बांग्लादेश वर्सेज़ पाकिस्तान वहाँ पाकिस्तानी गेंदबाज जहाँ दिन भर जूझते हुए दिखाई दिए शुरुआत में चार विकेट जरूर हासिल किए एक घंटे के अंदर ही और उसके बाद 200 से ज़्यादा की पार्टनरशिप कर ली लिटन दास और मुशफिक रहीम ने और इधर टॉम लथम जो है अपने तजुर्बे का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे बिल जंग के साथ और विल जंग इन दोनों खिलाड़ियों को आउट करना भारतीय गेंदबाज़ों के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर साबित हुआ और सच कहा जाए तो आउट ही नहीं कर पाए एक रन की पार्टनरशिप कर चुके हैं ये दोनों खिलाड़ी लेकिन पाकिस्तान के लिए राहत की बात यह है कि अभी जो नई गेंद है वो ड्यू है आ, ले चुके हैं क्षमा की जगह और पांच ओवर पुरानी गेंद है और पांच ओवर पुरानी गेंद जो है मैच के दूसरे दिन कहर बरपा सकती है ये एक बहुत अभी उम्मीद की किरण बाकी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और अभी देखा जाए तो स्कोर उनका बहुत ही लाजवाब बहुत ही शानदार और अगर देखा जाए तो दो रन बनाए हैं चार विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए और बाबर आजम ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी पहले बल्लेबाजी ही करते क्योंकि विकेट में कुछ गेंदबाजों के लिए था नहीं और वहाँ पूरी तरह से गेंदबाज़ जूझते हुए दिखाई दिए पूरे दिन और बल्लेबाजों को मदद मिली शुरुआती अगर एक घंटे को छोड़ दें तो शुरुआती एक घंटे में हसन अली ने जो इन स्विंगर गेंद पर आउट किया विकेट चटकाया था आ, उनके एक बल्लेबाज का वो काबिल तारीफ था और शादमान इस्लाम के पास कोई जवाब नहीं था वो एल बी डब्ल्यू आउट हुए और उसके बाद शाहिन अफरीदी जो अमूमन स्विंग पर ज़्यादा जोर देते हैं शुरुआती ओवरों में लेकिन उनकी जो बॉल थी वो उछाल लेती हुई गेंद थी जिसने बल्ले के ऊपरी हिस्से पर जो लगती हुई शॉर्ट लेग पर लपक लिए गए सैफ जो हैं उनके सामने खिलाड़ी थे सैफ हसन और उसके बाद फ़हीम अशरफ जिनको देख मुझे अक्सर साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके छः विकेट याद आते हैं जो जोहानिसबर्ग में उन्होंने हासिल किए थे और वो एक विकेट चटकाने में कामयाब हु, हुए पॉइंट पर उन्होंने कैच कराया था बैक ऑफ लेंथ गेंद थी और वहाँ पर नजीमुल हुसैन चूक गए थे और उसके बाद कप्तान का विकेट जो कि मोमिनुल हक हैं टीम के कप्तान इस बार साजिद खान जो कि टीम के ऑफ स्पिनर हैं राउंड द विकेट आए थे और राउंड द विकेट उनकी एक फुलर लेंथ की गेंद थी जिस पर वो चकमा खा गए और अपना उनको विकेट गंवाना पड़ा तो इस तरह से ये चार विकेट गिरने के बाद फिर बारी थी लिटन दास और मुशफिकर रहीम की ये दोनों खिलाड़ी हम आपको याद दिला दें जो पीछे टी ट्वेंटी सीरीज़ हुई थी उसमें दोनों ही टीम के सदस्य नहीं थे और यहाँ लिटन दास ने आज खासकर स्पिनर्स के सामने कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और वहीं शाहिन शाह अफरीदी की अगर हम देखें तो आज जिस तरह की उनकी गेंदबाजी थी थोड़ी सी जो वाइड गेंद थी उनकी या जो बिल्कुल लेंथ पर नहीं पड़ रही थी उस पर खूब शॉट लगाए रहीम ने और अपनी टीम को एक सुदृढ़ स्थिति में मजबूत स्थिति में उन्होंने पहुंचा दिया और इस मैच में दो डेब्यूटेंट खेल रहे हैं दोनों टीमों से एक एक अब्दुल्ला रफीक पाकिस्तान के जिन्हें सिर्फ तीन टी ट्वेंटी आई मुकाबलों का तजुर्बा है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी इन्होंने सिर्फ तीन मैच खेले हैं छियासी का औसत ज़रूर है लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत ही खुशनसीब हैं बहुत ही लकी हैं जिन्हें बहुत जल्दी मौका मिल गया नेशनल टीम में वो भी टेस्ट मैच खेलने का और वहीं बांग्लादेश में यासिर अली जी हाँ मिडल मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं ये और पचास दशमलव तीन सात का इनका औसत रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में तो इनको अवसर मिला है तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान कितनी जल्दी निपटाता है रहीम और लिटन दास की मजबूत जोड़ी को और जब ये जोड़ी को निपटाया जाएगा तो उसके बाद उम्मीद कीजिए कि स्कोर जो है पाकिस्तान तीन सौ से ज़्यादा ना बनने दे बांग्लादेश को तभी बात बनेगी नहीं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो हो सकती हैं इस मुकाबले में आप क्या सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार